बीआरडी मेडिकल कॉलेज 500 बेडेड आउटसोर्सिंग संविदा संघर्ष शोषित समिति के बैनर तले नर्सिंग स्टाफ, पैरा मेडिकल स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन एवं निकाले जाने के संदर्भ में मेडिकल कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों के पक्ष में आवाज बुलंद की। धरना दे रहे कर्मचारियों का कहना है कि उनको 5 माह से वेतन नहीं दिया गया है, साथ ही अब नौकरी से निकालने की बात कही जा रही है। धरने के नेतृत्व कर रही अमृता याकूब ने कहा कि कोरोना के समय में जब कोविड अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी तो मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या कम पड़ गई। आनन फानन में लगभग 115 स्टाफ नर्स व वार्ड बॉय की तैनाती की गई और सितंबर माह से ही वे अनवरत काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 1 माह का भी वेतन उन्हें नहीं दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि जब उनकी नियुक्ति की गई थी तो यह नहीं बताया गया था कि केवल कोरोना महामारी के दौरान काम करने के लिए नियुक्ति की जा रही है। फॉर्म में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं था। कठिन समय में हम लोगों ने अपने जान व परिवार की परवाह न करते हुए ड्यूटी की। अब कोरोना समाप्त होने पर हमें नौकरी से निकाला जा रहा है, जो न्याय के खिलाफ है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही अमृता याकूब ने कहा, अमृता याकूब जी, आज हम लोगों के धरना का यहाँ पे तीसरा दिन है। तीसरे दिन में भी अभी तक हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। अभी सुबह सुबह हमारे माननीय प्रिंसिपल साहब यहाँ पे आए, वो हम लोगों से बहुत ही विनम्रता पूर्वक ये चीज़ पूछ रहे हैं कि क्या बात है, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं। तो हम लोगों ने उनसे यही कहा कि आपको नहीं पता है हम लोग क्यों बैठे हैं, आज तीसरा दिन है यहाँ बैठे हुए। तो कह रहे हैं हाँ, तो वेतन की बात है ना, तो वेतन तो आज बैंक में मैंने कल डलवा दिया है और एक दो दिन में आपके जो कंपनी है उसके थ्रू आपको मिल जाएगी। तो हम लोगों ने उनसे ये, फिर उनका दूसरा सवाल था कि अब क्यों बैठे हैं वेतन के अलावा। तो हमने कहा कि नौकरी की जो बात थी, तो कह रहे हैं वो तो कन्फर्म था कि निकालना है, 6 महीने की जॉब थी। तो हम लोगों ने कहा 6 महीने की थी तो हमें पहले से क्यों नहीं बताया गया कि 6 महीने की जॉब है, कोई तो सबूत दीजिए, धोखा हुआ है सीधे सीधे। तो कह रहे हैं हर जगह तो जनवरी में निकाल दिया गया है, वो मेरा शुक्र मनाइए कि मैं 28 फरवरी तक रखा हूँ। तो क्या आपने एहसान किया रख के यहाँ पे 28 फरवरी तक, मरने के लिए 6 महीना भेजा था कोरोना में ड्यूटी लगा के, आग में कुदा दिए। अब कह रहे हो जब तुम्हारे मरीज ठीक हो गए, सब कुछ ठीक हो गया, तो कह रहे हो अब जाओ यहाँ से। तो क्या हम लोग फालतू के घर के आए हुए थे क्या यहाँ पे? अब हम लोग कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे? जॉब छोड़ छोड़ के आए थे यहाँ से, दुगनी दुगनी सैलरी की जॉब छोड़ कर आए थे। कोई कैसे आया, कोई कैसे आया, यहाँ पे मर मर के ड्यूटी किया अपने घर परिवार को छोड़कर, वो सब कुछ ये लोग भूल गए। आज प्रिंसिपल को ये दिख रहा है कि मेरा काम खत्म हो गया, अब आप लोग जाइए यहाँ से। तो ये तो कोई बात नहीं होती है ना। आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ से अपना धरना प्रदर्शन हटा दें, उसके लिए आप पूरी पूरी फोर्स बुला रहे हैं, कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं। तमाम अधिकारियों की गाड़ियाँ आ रही हैं, सुबह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि हम लोगों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ से अपना धरना प्रदर्शन उठा दें। लेकिन ये बात अच्छी तरह से सारे लोग सुन लें कि ये धरना तब तक नहीं खत्म होगा जब तक कि हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी, हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से कोई नहीं उठेगा। नौकरी आप लोग की थी जी, आप ज्वाइनिंग की थी कोरोना हॉस्पिटल में जी, जी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आपका? नौकरी जब ज्वाइन कराया गया था तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इस बात की किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि 6 महीने की जॉब है। आप लोग खुद बताइए, जो भी सुन रहा होगा इस बात को, कि क्या 6 महीने की जॉब के लिए वो अपने घर के बच्चों को यहाँ भेजेंगे, वो भी कोविड में ड्यूटी करने, जानबूझ के मरने के लिए कोई ढकेलेगा, किस लिए भेजेगा? प्रिंसिपल सिक्योरिटी कंपनी के यहाँ पे है, स्टाफ नर्सेस वार्ड बॉय हर्ष इंटरप्राइजेस के हैं, BIS के हैं, टोटल 3 कंपनी लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन कराया था और किसी ने भी ये बात की जानकारी नहीं दी है किसी भी एक पर्सन को भी, एक भी स्टाफ को, कि 6 महीने की ड्यूटी और सिर्फ कोविड में ड्यूटी कराया जाएगा। वो ज्वाइन कराने के बाद ढकेल दिया गया उठा के कि जाइए अब आप कोविड में ड्यूटी करिए, और हर 15-15 दिन पे ये लोग ड्यूटी लगाते रहे, एक हफ्ते की छुट्टी देते थे, फिर 15 दिन पे ये PPE किट बना के अंदर भेज देते थे।